इसमें है लेटर सी की ट्रेसिंग और यहाँ पे राइटिंग सो so, स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे कौन सा लेटर है लेटर सी सो स्टूडेंट्स टेक आउट योर पेंसिल एंड लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है आप बता सकते हो कौन सा पिक्चर है ये यस वेरी गुड ये कैट होता है ना वेरी गुड सो हम बोलेंगे सी फॉर कैट C C for cat, okay का Now students अभी चलो हमारे work start करते हम So फर्स्ट आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और ऐसे बड़ा सा कर देना है. So, ये बन गया लेटर C. Now next one यहाँ से स्टार्ट करूंगे और ऐसे पूरा सो लेटर सी Now नेक्स्ट नाउ स्टूडेंट्स अभी हमने ट्रेसिंग तो कर लिया अभी नीचे हम अपने आप लिखना भी स्टार्ट करेंगे सो so, आपको ये पिंक लाइन से स्टार्ट करना है ओके okay? आपकी जो फोर लाइन दी है ना आपको वन टू थ्री फोर राइट सो फर्स्ट वाली जो पिंक लाइन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे सो so, यहाँ से स्टार्ट किया और पूरी थ्री लाइन में से कव कर दिया देखो वन टू थ्री थ्री लाइन में कव किया मैंने सो so, ये बन गया कैपिटल लेटर सी स्टूडेंट्स कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में क्या डिफरेंस है, है वो वो में में लिखा लिखा जाता जाता है 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 और जो ये आपको याद रखना नाउ नेक्स्ट वन यहाँ पिंक लाइन से स्टार्ट किया और थ्री लाइन में बनाया कैपिटल लेटर सी सी फॉर कैप जो आपकी शन की बुक में दिया है पिक्चर नाउ थर्ड लाइन करेंगे सो so, यहाँ पे जो पिंक लाइन है उसे टच करके आपको ऐसे पूरा कव करना है ओके सो ये बन गया कैपिटल लेटर सी नाउ नेक्स्ट वन अगर स्टूडेंट्स आपने ऐसा पूरे बॉक्स में कर दिया देखो फोर लाइन में सो so, ये रोंग हो okay? आपको इसे फोर लाइन में नहीं करना है आपको ओनली थ्री लाइन का ही यूज करना है नाउ लास्ट वन पिंक लाइन से स्टार्ट किया और इसे थ्री लाइन में पूरा कैपिटल लेटर सी बनाया सो कैपिटल लेटर सी सी फोर केक ऐसे कई सारे पिक्चर्स हैं जो आपके बुक में दिए हैं वो सारे पिक्चर्स आपको बोलने हैं और इसके नीचे की राइटिंग आपको कंप्लीट करनी है उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश की एच बुक निकालनी है देन ओपन योर बुक पेज नंबर टेन जिसमें है कैपिटल लेटर सी ये पूरा पेज आपका होमवर्क है सो अच्छे से अपना वर्क करना थैंक यू